अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का एक बहुत जो टॉपिक है बहुत मज़ेकर फ़नी और एक फ़न के लिए और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वो है कि सिम्पटम्स फॉर बेबी गर्ल और अ बॉय। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो ये सब एक मिथ होते हैं, लेकिन कुछ बातें जो होती हैं वो किसी के लिए सही होती हैं, और लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, हमें तो बॉय की दफ़ा ऐसा हुआ था, गर्ल की दफ़ा तो ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन किसी के लिए कहते हैं नहीं, बॉय की दफ़ा हमारा ऐसे ही सिम्टम था और हमें बॉय हुआ। तो देखते हैं, सबसे पहली जो मिथ है यानी कि एक बात है जो कहते हैं लोग, वो ये है कि स्किन आपकी जब गर्ल होती है तो स्किन काफ़ी ग्लो करने लगती है। स्किन ग्लो इन गर्ल फॉर गर्ल। अच्छा, इसमें कहते हैं कि जब गर्ल बेबी गर्ल होती है तो स्किन ज़्यादा ग्लो करती है, और बॉय में कहा जाता है कि स्किन जो होती है डल हो जाती है। स्किन डल, बॉय जब होता है तो स्किन डल हो जाती है, और गर्ल जब होती है तो स्किन ग्लो करने लगती है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे बॉय थे था और मेरी स्किन वाकई में डल हो गई थी, और वाकई मेरी स्किन, नेक वगैरह सब चीज़ डल हो गई थी। अच्छा जी, तो दूसरी बात जो है, दूसरा मिथ जो है वो ये कहा जाता है, साइन कह लें आप, मिथ कह लें, सिम्टम्स कह लें, वो क्रेविंग के हवाले से, अगर बेबी गर्ल होती है तो आपका मीठा खाने का दिल चाहता है, और बेबी बॉय होता है तो नमकीन खाने का दिल चाहता है। तो ये जो है एक मिथ है या सिम्टम्स है, और बाकी में मतलब जब मेरे बॉय थे तो मेरा मीठा खाने का दिल चाहता था, हम नमकीन खाने का दिल नहीं चाहता था। तो एक ये भी है बात, और अच्छा जी, जो सबसे ज़बरदस्त और एक्यूरेट अच्छी ऑथेंटिक बात है वो ये है कि हार्ट रेट जब आपका हार्ट रेट हाई होता है तो कहते हैं कि ये गर्ल का होता है। हार्ट रेट जब हाई होता है तो गर्ल का होता है, और जब आपकी हार्ट रेट जो होता है वो लो होता है, हाई नहीं होता, यानी कि 143 कह लें आप, इस तरह का होता है, तो ये बॉय का सिम्टम समझा जाता है। और वाकई में जब मेरे बॉयज़ थे तो मेरी हार्ट रेट बहुत कम थी, मतलब इतनी 143 या इस तरह का ही रहती थी हार्ट रेट। अच्छा, हम मॉर्निंग सिकनेस के हवाले से बात करें तो गर्ल के टाइम में मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है, यानी कि जब आप सो के उठते हैं तो दिल चाहता है कि दोबारा सो जाएं, और बॉय के टाइम में ऐसा नहीं होता है, तो ये पॉइंट गर्ल को जाता है। और फाइन, अच्छा जी, जो बेली लाइन होती है कहते हैं अगर वो स्ट्रेट है बिल्कुल जैसे इस तरह करके, तो जो है वो बॉय है, ये बॉय का जाता है, और अगर इस तरह से है तो गर्ल है जी। अगर आप टमी हाई कैरी कर रही हैं, यानी कि टमी हाई है यानी कि गोल है, बॉल की तरह है, तो कहते हैं कि ये गर्ल होती है, और टमी अगर लोअर है नीचे की तरफ है तो जो है वो बॉय होता है, क्योंकि गर्ल की टमी में आपका टमी जो होता है वो लोअर होता है, और गर्ल, वैसे कहा जाता है गर्ल की जो ड्यू डेट है वो बहुत लेट आती है, गर्ल वो आराम से अपना चिल विल मार के आराम से आती है, और बॉयज़ को आने की ज़रा जल्दी होती है, काम उनके ज़्यादा होते हैं, तो बॉयज़ के जो है वो ड्यू डेट जल्दी आ जाती है, मोस्टली 36-38 वीक्स में गर्ल्स बॉय के दर्द जो है उठने शुरू हो जाते हैं, और बॉयज़ गर्ल्स होती हैं हमारी 40 अपना वीक पूरा करके आती हैं। अच्छा जी, अच्छा, गर्ल के टाइम में वेट आपका ज़्यादा गेन होता है और ये कहा जाता है, और बॉयज़ जो होते हैं, जब बॉयज़ होता है तो बॉय होता है तो नोज़ जो है ना आपकी बड़ी हो जाती है, मतलब एक पकौड़े टाइप की लगती है, और नेक आपकी ब्लैक हो जाती है, और ये सब मेरे साथ हो गया था मेरे बॉयज़ की दफ़ा में।
अच्छा जी, ये तो सब हुई कहने की बातें, और जो हमें अल्लाह पाक अता करेगा उसका बहुत बहुत शुक्र गुजार रही है। और जब पैदा होते हैं, जब ही एक्यूरेट पता चलता है कि गर्ल है या बॉय है, जब ही असल पता चलता है, लेकिन 20 वीक का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर पता चल जाता है सही से कि गर्ल है या बॉय है। तो जी, गर्ल बॉय होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह पाक खैर खैरियत वाली औलाद अता फरमाए, नेक फरमा बरदार, और हमेशा दुआ करें कि सलामत हो, चारों हाथ पांव सलामत हो। यही दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।